ये हो चुके हैं। कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हो गेमिंग तक यूट्यूब चैनल। अभी चैनल के ऊपर आपको एक न्यू सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसके अंदर मैं डालूंगा PUBG मोबाइल के सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले वीडियो, जो कि यार खतरनाक होंगे बहुत ज्यादा। और इन वीडियोस को देखकर आप अपने गेम प्ले को जरूर इंप्रूव कर सकते हैं। अब यहां पर भाई इस वाले मैच के अंदर भी मेरे थे 29 किल्स और मैं चाहता हूं मिलिट्री बेस पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं और भाई सबको कूटेंगे बहुत ही बुरे वाला। तो गेम प्ले देखते हो बहुत तगड़ा है। अगर आप चैनल पर न्यू तो प्लीज यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस टाइप के और भी गेम प्लेस देखने को मिलेंगे। और हाँ यार, ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। अब फिलहाल मैं आ जाता हूं सी बिल्डिंग पर और उतरती S12 की और M16 मिल जाती है। और नीचे एक बंदा और आता जो कि मेरी तरह सोलो स्क्वाड खेल रहा था, तो उसको कूटेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर ये बंदा मुझे S6 से मारने की कोशिश तो करता है लेकिन मार नहीं पाता, तो मैं ऐसा सीधा जंप एंड शूट देके खत्म कर देता हूँ। अब एक बंदा जो है भैया बड़ी देर से VSS मारे जा रहा था मेरे को टावर से। अब देखना भाई साहब इसको, मतलब कि यार M16 की आयरन साइड से ही उतार दूंगा। अब यहाँ पर इस बंदे को तो नॉकडाउन कर दे, उनपे ना कोई खास अब गन वन में एमओ भी नहीं बची थी, तो मैं ज्यादा लूट पे ध्यान देता नहीं, सिर्फ रश करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे इसको मारा जाएंगे फिनिश करने और एक बोर्ड दिख जाएगा। खैर इस बोट को मारने के बाद मैं आगे की तरफ चले जाता हूँ उस बंदे को लूटने जिसको मैंने M16A4 से नॉकडाउन करा था। अब भाई जैसे इसे लूटने के लिए लेटूंगा भाई एक बंदा मुझे देख लेगा और मारने लग जाएगा। तो भाई पीछे वाला बंदा ना बोट को मारने लग रहा था लेकिन मैंने उसको ही VSS का स्प्रे देके नॉक कर दिया और ये बोट को भी मार दिया। अब जैसे आ गया है तभी इनका चौथा बंदा भी दिख गया। तो भाई राइट में जितने भी टावर वाले और इन्वेंटरी वाले बंदे थे उनको तो निपटा दिया। अब बारी थी उन बंदों को मारने की जो कि लेफ्ट में सीमेंट्री पर उतरते हैं। अब भाई देखना वो जाते ही मेरे को बंदा दिख जाएगा और मैं उसे जाते ही नॉकडाउन कर दूंगा। तो भाई कसम से इस बंदे ने तो मुझे एकदम डरा सा ही दिया था, मतलब यार झटके से सामने वाली विंडो पर आ गया। बट अच्छा हुआ VSS थी और VSS यार बहुत खतरनाक है। अब जैसे ही मैं इसको फिनिश करने जाऊंगा तो वहां पर इसके टीममेट भी थे और देखना भाई साहब मैं कसम से मरते मरते बचूंगा। अब यहाँ पर अगर आप स्लो मोशन में देखोगे ना तो मैं जब गेट के उस पर खड़ा था ना मेरी HP तभी जाना शुरू हो गई थी और भाई झटके से 1 HP हो गया। अब यहाँ पर ना इनके पास हील के लिए कुछ था ना मेरे पास और सामने से एक स्क्वाड और आ जाएगी। अब मैंने फटाफट से आके इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया क्योंकि भाई अभी अपने को हील चाहिए, लेकिन इसके पास से कुछ मिला ही नहीं तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार पेन किलर भी काफ़ी काम की चीज़ है, तो पेन किलर मिल गई थी। अब यहाँ पर सामने इसके और बंदे आ जाएंगे।
अब यहाँ पर इन सब को तो मैंने फिनिश कर दिया था, लेकिन ये बोर्ड तो भाई ऐसे भगा भगा आ रहा है जैसे यहाँ पर प्रसाद बट रहा है, तो यहाँ पर इसको भी नोक करके फिनिश कर दिया। अब भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना जब गाड़ी नहीं मिलती, तो समझ लो मैं भाई पूरा सी बिल्डिंग से भगते भगते यहाँ पर आऊँ गाड़ी लेने। अब फाइनली जाके गाड़ी मिली और सीधा मैं इसे लेकर आ गया ड्रॉप पर। अब भाई इस ड्रॉप पर से मुझे पता भी नहीं था कि यार इतनी अच्छी लूट मिल जाएगी, मतलब कि यार पहले मैंने ढंग से नोटिस नहीं करा, उसके बाद देखा भैया M249 पड़ी थी। अब भाई साहब अब जो बंदे कुटाई होने वाली है ना भाई देखते जाओ बहुत खतरनाक है। अब यहाँ सीधा M249 उठाए और निकल जाऊंगा पोचिंग की पे और तभी एक स्क्वाड भी आ जाएगी। तो ये लोग बस यहाँ से गाड़ी लेकर निकल ही रहे थे, लेकिन मैंने तभी इनका एक बंदा नॉक डाउन कर दिया और मुझे कंफर्म पता था ये मुझे मारने के लिए आगे रुकेंगे या फिर रश करेंगे। तो मैंने कहा तुम रश करो, इससे पहले मैं ही तुम पे रश कर देता हूँ। अब भाई अपनी गाड़ी मैंने यहीं पर लगा दी क्योंकि मुझे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता थी, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि भैया यहीं कहीं आसपास है क्योंकि उन्होंने गाड़ी राइट में ही मोड़ी थी। और भाई मैं सोच रहा था आगे होंगे लेकिन वो तो बंदे पीछे से आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनके दो बंदे नॉक कर दिए और एक को तो फिनिश भी कर दिया और एक को तो पहले ही गाड़ी से उतार के फिनिश कर दिया था, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचा है। अब भाई वो बंदा देखना कहाँ पर छुप के बैठा हुआ था। भाग ही रहा था लेकिन मेरी नेट की चपेट में आ गया। अब इसको मारने के बाद यहां पर मैं थोड़ा बहुत लूट ही रहा था और भाई तभी एक टीम और आ जाएगी। अब मुझे पता ही नहीं चला कि ये वाली स्क्वाड जो है यहाँ पर कब में आ गई, तो यहाँ पर इसका एक बंदा तो मैंने मार दिया। अब जैसे ही राइट में जाऊँगा ना तो सामने वाले घर से बंदे को फूट आएंगे और भाई आप यकीन नहीं मानोगे इस घर के अंदर ऊपर वाले फ्लोर पे 3 बंदे कैंप कर रहे हैं और हर जगह नेट डाल दूंगा लेकिन एक बंदा तक नहीं नॉकडाउन होता। भाई पता नहीं यार कौन सी पोजीशन पे बैठे थे, किस एंगल को लेकर बैठे थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब लोग ये ना बहुत बड़ी गलती कर देंगे और देखना क्या होगा। तो भाई एक बंदे की छोटी सी गलती पूरी की पूरी टीम को बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई और यहाँ पर भाई निपटा दिए इन चारों लोग को। अब यहाँ पर इनको मारने के बाद जब मैंने अलाइव देखे ना भाई मेरी आँख खुली सी रह गई, मतलब कि यार मैं सोच रहा था ज़्यादा लाइव होंगे लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 13 ही बंदे बचे और वो भी यार अपने ज़्यादा किल भी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 22 ही थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी और रश करेंगे तो और किल निकलेंगे, तो फटाफट बिना लूटे गाड़ी लेकर मैं पहुँच गया यहाँ पर और सामने वाले घर में तभी बंदे दिख गए, मतलब कि यहाँ पर मैं मेन ड्रॉप के लिए आया था और देखना क्या होगा। तो भाई सामने वाले बंदे पे भी M249 थी तो भाई वो ज़्यादा हेल्थ तो खा नहीं पाया लेकिन फिर भी एक टाइप से हाफ HP कर दिया। अब लेफ्ट वाले घर से बंदा M4 मार रहा था तो उसकी भी बारी आएगी पिटने की।
अब यहाँ पर मैंने पता है गलती क्या करी, मैं बस यहाँ पर बंदों को नॉकडाउन करे जा रहा हूँ लेकिन फिनिश किसी को कर ही नहीं रहा, और यही चीज़ जो है ना मेरे पे भी काफ़ी भारी पड़ जाएगी, मतलब कि ये लोग भाई सब रहे हो जाएंगे और फिर दोबारा से मेरे को सबको मारना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर इस टीम को भी बहुत ही बुरी तरह निपटाता हूँ, बस यहाँ पर उन्होंने पता है गलती क्या करी थी, उन लोग को रेव होने का मौका दे दिया, वरना इस स्क्वाड को मारने में इतना टाइम नहीं लगता, वैसे यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया इसको मारने में, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी यहाँ पर 25 किल हो चुके हैं, तो मेरा टारगेट था 30 किल का, तो भाई जैसे तैसे करके करने ही थे। अब सीधा यहाँ से बाइक भगाकर पहुँच जाता हूँ मैं इस जगह पर, और भाई मतलब कि यहाँ पर तो मेरे को लग रहा था बंदे होंगे, और पीछे देखना कितनी तगड़ी फाइट चल रही थी, और हम कर देंगे गलत वाली थर्ड पार्टी। ये बंदे का मकसद क्या था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब कि ऊपर पहले तो एकदम फुल स्पीड में भगता हुआ आ गया छुपने के लिए, और फिर बीच में खड़ा हो गया, मतलब यार इससे बढ़िया नीचे वाले फ्लोर पे पिट लेता मेरे से। अब सामने वाले रूम में भी फाइट चल रही थी, तो देखना इसको कैसे मारेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने इन सबको निपटा दिया, और पता भी यहाँ पर अगर मैं इस किचन के अंदर नहीं बैठता तो मेरे साथ एक बहुत गलत सीन हो जाता, मान लो बाय चांस मैं आगे वाले रूम में जाकर बैठ जाता तो वो जो नेट उसने डाला है बंदे ने मेरे मुंह पे फूट जाता। तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा लाइव बचा था, और उसने नेट डाल के ये बता दिया कि भैया मैं यहीं पर हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ढूंढने वूंढने की, तो मैं सीधा ऊपर आता हूँ और घास में ढूंढता हूँ और बंदा तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ पर यार किसी भी सांप को मारने के लिए ना दो ही बेस्ट तरीके होते हैं, तो पहला तरीका ये होता है या तो उस रेंज में चले जाओ जहाँ पर से उसकी घास ही रेंटर ना हो और आपको सीधा बंदा दिख जाए, और दूसरा तरीका ये होता है या तो उसके ऊपर गाड़ी कुचल दो, गाड़ी का सबसे बेस्ट लगता है वैसे मेरे को, तो उसमें रिस्क बिल्कुल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने इसको इसी तरीके से निपटा दिया और कर दिया भैया 29 किल्स और चिकन डिनर। तो अगर आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और हाँ यार अगर आप इस टाइप की गेम प्ले वीडियो डेली देखना चाहते हो तो मेरे चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ यार गेमिंग तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तो जाओ फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है रेड वाला दबा दो। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।